फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने प्रवास की परिभाषा और प्रवास से संबंधित गुरुत्वाकर्षण मॉडल को पढ़ लिया। अब आज की क्लास में प्रवास से संबंधित जो ली का मॉडल है, ली एक भूगोलवेत्ता है जिन्होंने प्रवास के संबंध में अपना माइग्रेशन का मॉडल दिया, तो इस मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ली का मॉडल है इसमें आपको बेसिकली दो शब्द प्रमुखता से दिखेंगे, एक होगा पुश फैक्टर और दूसरा होगा पुल फैक्टर। तो देखिए, अगर हम लोग पहले बात ये कर लें कि ये जो मॉडल है इसकी रिलीवेंस क्या है, ये क्या बताने की कोशिश करता है, तो इस मॉडल के माध्यम से ली ने ये समझाया कि लोग जो अपने प्रवास का डिसीजन लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाए कि क्या कारण है कि बिहार के, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांव से लोग दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की ओर जाते हैं, तो इस चीज की व्याख्या आप जो ली का प्रवास मॉडल है इसके माध्यम से कर पाएंगे। अब देखिए, पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको मॉडल समझा दूंगा। अच्छा, जो इसका PDF है वो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे या कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर एक लिंक दिया होगा। लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां पर एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में भेज दिए जाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो देखिए, जो ली का प्रवास मॉडल है ये एक सैद्धांतिक ढांचा यानी कि एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो बताता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि लोग अपना डिसीजन, मान लीजिए आप डिसीजन लेते हैं कि आप दिल्ली जाने वाले हैं, तो ये प्रवास का डिसीजन आप किन आधारों पर लेते हैं, उन आधारों को, उन कारकों को बताता है ली का मॉडल। ये 1960 के दशक में एक समाजशास्त्री एवरेट एस ली द्वारा विकसित किया गया था। तो एवरेट एस ली ने इसको विकसित किया 1960 में। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो UGC नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं। ली के अनुसार प्रवास आकर्षण और विकर्षण कारकों के संयोजन का परिणाम है। देखिए, ये जो आपका पुश और पुल फैक्टर है इसके आपको कई सारी बुक में अलग अलग ट्रांसलेशन दिखेंगे, तो पर्सनली मैंने इसको आकर्षण और विकर्षण के रूप में लिखा है हिंदी में, यानी पुश फैक्टर को मैंने लिखा है विकर्षण और यहाँ पर जो पुल फैक्टर है उसको लिखा है आकर्षण। लेकिन इसको आप पुश पुल भी लिख सकते हैं या कोई अन्य शब्द जो इसके लिए है आपकी बुक में दिया हुआ वो भी लिख सकते हैं। तो विकर्षण कारक उत्पत्ति के स्थान की स्थितियां हैं। देखिए, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। ये मान लीजिए एक स्थान है जिसका नाम ए है, ये दूसरा स्थान है जहां पर जिसका नाम बी है। देखिए, स्थान ए पर क्या है, समस्याएं बहुत सी हैं। इस स्थान पर क्या समस्या है, गरीबी है, इसके साथ ही रोजगार की कमी है, इसके साथ ही जो आप कह लीजिए कि स्वच्छता है उसकी भी कमी है, तो इस तरह से कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं को कैसे दर्शाया गया है, ये जो आप माइनस देख रहे हैं इसके माध्यम से दर्शाया गया है समस्याओं को। अब देखिए, जो समस्याएं हैं वो आपको क्या करती हैं, पुश करती हैं, धक्का देती हैं, किस दिशा में, कि ऐसे स्थानों की ओर जाइए जहां पर आपको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो अब यहां पर हम लोगों ने जो समस्याएं देखी उसका समाधान हो सकता है बी स्थान पे। बी स्थान पे मान लीजिए क्या है कि गरीबी अपेक्षाकृत कम है, रोजगार के कहीं ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं, यानी रोजगार आपको मिल सकता है, स्वच्छता की स्थिति भी अच्छी है और मान लीजिए कि स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़िया उपलब्ध हैं। तो ये प्लस के माध्यम से दिखाए गए हैं, यानी कि इस स्थान की जो सकारात्मक बातें हैं वो प्लस के माध्यम से दिखाई गई हैं। तो ये क्या हो गए, पुल फैक्टर हो गए। जाहिर सी बात है, कहीं पे अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, तो वहां पर ज्यादा लोग जाना चाहेंगे, तो ये स्थान क्या करेगा, अपनी तरफ लोगों को खींचेगा। खींचने को इंग्लिश में कहते हैं पुल, तो ये पुल फैक्टर हो गए। और ए स्थान पर ये जो निगेटिव बातें हैं ये क्या करेंगी, लोगों को धक्का देंगी, इस स्थान के बाहर जाने के लिए प्रेरित करेंगी, तो ये कौन से फैक्टर हो गए जो धक्का दे रहे हैं, ये हो गए पुश। अब देखिए, इसको और भी बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक पर्सनल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आप पटना से मन बना रहे हैं दिल्ली जाने का, तो ऐसे में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको जाना है कि नहीं, तो आप एक सूची बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे
जिसमें आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पटना में रहने के आपको लाभ और हानि क्या है। एक तरफ आपने पटना बना लिया, यहां पर आप देख रहे हैं पटना में रहने का लाभ हानि क्या है, और दूसरी तरफ आपने दिल्ली लिख लिया और उसमें देख रहे हैं कि दिल्ली में जाने का लाभ क्या है और हानि क्या है। तो अब मान लीजिए आप देखना शुरू करते हैं, तो पहली चीज आपको पता चलती है कि पटना में रहने पर आपका खर्चा कम आता है, क्योंकि अपना घर है आपका, किराया आपको नहीं देना पड़ता है। तो पहली चीज आपको एक प्लस पॉइंट मिल गई, पटना में ही अगर रहते हैं तो आपका खर्चा कम आएगा। दूसरी बात मान लीजिए आपको मिल गई कि पटना में आपके जो सामाजिक रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से आपको काफी मदद मिल जाती है आसानी से। तो दूसरी चीज हो गई आपके सामाजिक रिश्ते, ये दो पॉजिटिव हो गए। पर फिर मान लीजिए आप तैयारी करना चाहते हैं किसी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, जिसकी तैयारी पटना में नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ये पटना का क्या हो गया, एक पुश फैक्टर हो गया। ये फैक्टर आपसे कह रहा है कि आप पटना को छोड़ करके बाहर चले जाइए। फिर इसी तरह से मान लीजिए कि आपको यह भी लगता है कि बाहर जाने पर जो स्टूडेंट आपको मिलेंगे, जो ग्रुप बनेगा, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करने में। तो ये दूसरा पुश फैक्टर हो गया। अब देखिए क्या होगा, अगर पुश फैक्टर ज्यादा प्रभावशाली है, देखिए है तो पुल फैक्टर भी, कि यहाँ पर आपका खर्चा नहीं ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर आपको आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हेल्प कर रहे हैं तो यहाँ पर पुल फैक्टर भी, जो आपसे कह रहे हैं कि नहीं पटना में रहा जा सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर जो पुश फैक्टर है वो ज्यादा प्रभावशाली हो गए, तो आप क्या डिसीजन लेंगे कि ठीक है पटना छोड़ करके दिल्ली जाया जाए, क्योंकि दिल्ली में आपको एक अच्छा माहौल मिल रहा है, पढ़ाई करने के लिए अच्छी कोचिंग मिल रही है, और ये आपके लिए कुछ बड़ी चीजें हैं, तो आप क्या डिसीजन लेते हैं कि ठीक है दिल्ली जाया जाए। इसके बजाय मान लीजिए कि अब आप विचार करते हैं कि देखिए पढ़ाई तो ऑनलाइन रह के भी की जा सकती है, यानी कि आपको ये लगने लगता है कि अब तो ऑनलाइन माध्यम में सब उपलब्ध है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, अब आपका मन थोड़ा सा बदलने लगेगा, यानी कि जो पटना में पुल फैक्टर है, जो आपको पटना में खींच के रखेंगे, जो पटना से आपको बांध के रखेंगे, वो मजबूत हो गए, तो अब आपको क्या लगेगा कि दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, यानी माइग्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो पुश पुल फैक्टर है, इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, पुश फैक्टर ज्यादा ताकतवर है, पटना से आपके बाहर जाने के कारण ज्यादा मजबूत है, या पटना में ही रहने के आपके कारण ज्यादा मजबूत है, इससे डिसाइड होता है कि प्रवास होगा या नहीं होगा। अच्छा देखिए, इसको आप रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं, या सभी समूह पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक परिवार है वो पटना छोड़ के दिल्ली जाना चाहता है, तो वो कई चीजें इवेल्युएट करेगा कि उसके फैमिली को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी मिलेंगी, एजुकेशन कैसी मिलेगी, वहां का दिल्ली का इन्वायरमेंट भी सोचेगा कि वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से कई सारी चीजों को लेकर के पुश पुल फैक्टर के आधार पे लोग डिसाइड करते हैं कि माइग्रेशन करना है या नहीं। अच्छा देखिए, अब एक चीज इसमें और आती है इम्पोर्टेंट, वो है बीच के अवरोध, यानी कि जो बीच के अवरोध हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि माइग्रेशन होगा या नहीं। मान लीजिए कि आपको जिस स्थान पे जाना है, मान लीजिए ये ए स्थान है, यहां से आपको माइग्रेट करके बी स्थान पे जाना है, यहां पर पुश फैक्टर बहुत ज्यादा मजबूत है, यहां पर पुल फैक्टर बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन बीच का जो अवरोध है वो अपने आप में बहुत मजबूत है। जैसे कि मान लीजिए ए स्थान से बी स्थान जाने पर 1 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा है, जो 1 लाख रुपए आपके पास नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, आप माइग्रेशन नहीं करेंगे। तो अगर दो स्थानों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, या एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत ज्यादा है, तो ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, अवरोध की तरह काम करती हैं। और अगर ये अवरोध बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, यहाँ पर जो पुल फैक्टर है, जो खींचने वाले प्रभाव हैं, अगर उससे ज्यादा मजबूत अवरोध हो जाता है, तो फिर माइग्रेशन यानी कि प्रवास नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर थ्योरी में जो चीजें दी गई हैं वो वही हैं जो मैंने अभी आपको समझाई। एक दो वाक्य हैं जिसकी तरफ मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, बाकी चीजों को आप नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है, प्रवास किसी के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने की आवश्यकता से प्रेरित होता है। यानी दो चीजें हो सकती हैं, एक तो आप अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, जहां पर आप यह रहते हैं वहां पर युद्ध है, अशांति है, जैसे सीरिया हो गया, यूक्रेन हो गया,
और दूसरी है आप, यानी एक तो आप अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहते हैं, दूसरा आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं एजुकेशन के माध्यम से, करियर के माध्यम से, किस वजह से प्रवास होता है। ये लास्ट पैराग्राफ पे और ध्यान केंद्रित करिएगा। कुल मिलाकर ली का माइग्रेशन मॉडल उन जटिल कारकों को समझने के लिए एक उपयोगी ढांचा प्रदान करता है जो प्रवास संरचना में योगदान करते हैं। यानी कि माइग्रेशन मॉडल है जो ली का, यह हमें क्या देता है, एक तरह का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देता है जिसको यूज करके हम ये समझ सकते हैं कि प्रवास क्यों हो रहा है, प्रवास के पीछे कौन से कारक हैं, ये प्रवास को चलाने में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के महत्व पर प्रकाश डालता है। यानी प्रवास के पीछे जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक हैं उसके ऊपर ये प्रकाश डालता है, उनको एक तरह से आपको बताता है कि कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं प्रवास के लिए, और लोगों के प्रवास निर्णयों को आकार देने में व्यक्तिगत कारकों की भूमिका को पहचानता है। देखिए, एक व्यक्ति मान लीजिए पटना से दिल्ली एजुकेशन के लिए जा रहा है, वहीं पे दूसरा व्यक्ति करियर के लिए जा रहा है, और तीसरा व्यक्ति हो सकता है अपनी लाइफ स्टाइल के लिए जा रहा है। तो ऐसे में अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से जा रहे हो सकते हैं सेम स्थान पे। तो ली का मॉडल आपको ये भी फ्रेमवर्क देता है कि अलग अलग इंडिविजुअल्स की जो च्वाइस है उसको भी आप समझ सकें कि ये लोग प्रवास क्यों कर रहे हैं।